हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। पिछले वीडियो में हमने ब्रीफली बात किया था डायपोल के बारे में और इसका डायपोल का किसी डायपोल का डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। तो इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ड्रॉ करना है तो वी हैव टू कंसीडर टू चार्जेस विद अपोजिट साइन। फर्स्ट चार्ज हम ले लेते हैं नेगेटिव क्यू और एक चार्ज ले लिया हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू, और इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं बाई ए डिस्टेंस विच इज 2a। टू वे डिस्टेंस से हमने सेपरेटेड किया। अब ये टू वे डिस्टेंस जो हमने किसी डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल, है ना, ये आपका एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर के फॉर्म में होगा। और इन डायपोल के सेंटर पे यानी ये सेंटर ले लिया हमने ओ पॉइंट यानी ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन है ये सेपरेट करेगा दोनों डायपोल को बाई ए डिस्टेंस स्मॉल ए एंड अनदर डिस्टेंस स्मॉल ए। तो हमें इसके एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका एक्सियल पॉइंट हो गया, या तो आप इस साइड कंसीडर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। तो हम कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लीजिए पॉइंट मैं एम ले लेता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट आपका ओरिजिन से कितना दूर है हम ले लेते हैं इसको आर डिस्टेंस। इसका जो डिस्टेंस है वो टोटल आर है। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज को हम पॉइंट देते हैं ए, और प्लस क्यू चार्ज का जो पॉइंट है उसको हमें डोनेट कर देते हैं पी से। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इट्स चार्ज इट विच इज क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए से लेके एम तक, तो यानी ए एम का स्क्वायर। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे उसे हम डायपोल के डायरेक्शन से इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो डायपोल का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, तो डायपोल का डायरेक्शन हमने अपने वीडियो में बात किया था, इसका डायरेक्शन जो हम लेते हैं वो लेते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यानी पी। पी का डायरेक्शन इस साइड है, और जो माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड आपकी जनरेट होगी उसका डायरेक्शन किस साइड होगा, माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड होगी उसका डायरेक्शन तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी इस पे जो फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई ई ऑफ माइनस क्यू का डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी ये जो फील्ड हो गई ये डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं माइनस पी कैप। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इस एम पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। अब हम इसी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो अगेन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, यानी ई ऑफ प्लस क्यू इट्स अगेन 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस है हमारा बी टू एम ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया बी एम का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन तो डायपोल का डायरेक्शन आपका ये रहा, और बी टू एम यानी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी डायरेक्शन आपका ये साइड हो गया, यानी ई ऑफ प्लस क्यू, यही हमारा ये देगा आपको सेम डायरेक्शन यानी प्लस पी कैप। So, अब हमें यहाँ पे AM और BM की अगर हम वैल्यू पुट कर दें, तो AM डिस्टेंस कितना है, देखें A से लेके M तक, यानी ये डिस्टेंस आपका R है O से लेके M तक,
एम जो हो गया दैट इज नथिंग बट इट्स आर प्लस ए। और वहीं पे अगर हम बी एम देखें डिस्टेंस, तो ध्यान से देखें यहां तक डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से ओ टू बी इज ए, ओके, एंड ओ टू एम इज आर, सो रिमेनिंग बी एम कितना बचा, ये डिस्टेंस हो गया आपका आर माइनस ए, तो बी एम इज योर आर माइनस ए। तो इन दोनों का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पे हमको ये ई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो हो गया 1/4 πε0 क्यू अपॉन इट्स आर प्लस ए का होल स्क्वायर विच इज माइनस पी कैप, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1/4 πε0 इट्स क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। और ये फील्ड हमारी वेक्टर है तो इसको हम वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो नाउ अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट एम, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, हमें सिंपली इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना है, दोनों वेक्टर हैं तो जरा हम इनको ऐड कर देते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ये हो गया इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज की वजह से, एंड प्लस ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों एक्सियल पॉइंट पे हैं, है ना, तो इनके वेक्टर्स को ऐड करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो नाउ इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें ई ऑफ माइनस क्यू का, तो ये हो गया 1/4 πε0 इट्स क्यू ओवर आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू माइनस पी कैप है, तो माइनस को आगे लिख देते हैं, ये हो गया पी कैप, प्लस 1/4 πε0 क्यू ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप, ये हो गया हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इसके बाद थोड़ी सी अलजबरा करनी होगी इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखते हैं इसमें से हम क्या क्या टर्म्स कॉमन आउट ले सकते हैं। इसमें से हम कॉमन आउट ले सकते हैं q डिवाइडेड बाय 4πε0, ये क्वांटिटी हम इसमें से कॉमन आउट ले लेते हैं। तो रिमेनिंग क्या बचा, ये पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर इंटू डायरेक्शन विच इज पी कैप। अब हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, तो ये मिलेगा q ओवर 4πε0 इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस इट्स आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड जो डिनोमिनेटर में हो गया ये इनका मल्टीप्लीकेशन मीन्स आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इस पर हम थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके देखते हैं, तो अगेन ये हमको देगा q ओवर 4πε0, इसका ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar एंड माइनस ये हो गया आपको r स्क्वायर एंड इट्स प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाय, और इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं r माइनस a स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देखिए आपको सेम मिलेगा ना, इनको इनको फोर टाइम्स करेंगे तो r माइनस a और r प्लस a आपको देगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके देखते हैं, तो देखें ये माइनस जो जाएगा, अब हम इसमें से ब्रैकेट हटाएं, अगर हम ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे हटा दें तो ये माइनस आपका अंदर जाएगा और ये टर्म जो है इनके सबके साइन बदल जाएंगे, यानी ए स्क्वायर का जो साइन है वो माइनस में आ जाएगा और ये जो 2ar था ये प्लस में आ जाएगा। तो देखें यहाँ से r² a² हमारे कैंसिल आउट, तो जो रिमेनिंग टर्म हमारा बचा वो बचा q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब ये 4ar को अगर हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज क्यू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे हम पी कैप भी लेके चलते हैं हर जगह, डायरेक्शन को भी लेके चलते हैं, है ना। ये हो गया डायरेक्शन पी कैप। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो क्यू इंटू टू ए, चार्ज इंटू इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल, ये क्या होता है, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट इट्स अ डायपोल मोमेंट, इट्स अ डायपोल मोमेंट, इसे हम डिफाइन करते हैं पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम इजिली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस में, जहाँ पे ये इसका इसके लिए इजिली बना हुआ है, क्यू इंटू टू ए हमारे पास है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज 1/4πε0 पी इंटू टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ये वैल्यू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल गई। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर कि देखिए ये जो डिस्टेंस है दोनों डायपोल के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है विच इज 2a, तो दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन विथ आर स्क्वायर। सो इफ ए इज वेरी स्मॉल देन ए स्क्वायर इज अगेन वेरी वेरी स्मॉल, सो आर स्क्वायर इज मच मच आर स्क्वायर जो है दैट इज मच मच लार्जर इन कंपेरिजन टू ए स्क्वायर, यानी आर बहुत बड़ा है तो है ना, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, तो आर स्क्वायर तो और भी ज्यादा हो जाएगा इससे ग्रेटर। सो वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर के टर्म को, हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ए स्क्वायर के टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ज्यादातर पॉइंट डायपोल की ही बात करते हैं, पॉइंट डायपोल में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट एक्सियल पॉइंट, ये हो गया इट्स 1/4πε0 इट्स पी इंटू टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का, ये नेग्लेक्ट कर दिया हमने तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4, ये आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आर क्यूब से। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली जो हमको मिला, बहुत ही ईजी एक्सप्रेशन मिल गया, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल इज 1/4πε0 इट्स 2π/r³ इंटू डायरेक्शन जो है वो पी कैप है, यानी टूवर्ड्स राइट साइड। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका जो आर के साथ इसका जो डिपेंडेंसी है दैट इज 1/r³। ओके, सो यानी ये जो आपने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, यानी सिंगल चार्ज की वजह से, उसका प्रोपोर्शनैलिटी 1/r² के स्क्वायर के साथ था, बट डायपोल की वजह से ये आपका 1/r³ हो गया। सो अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि ये हमने फाइंड किया एक्सियल पॉइंट पे, अभी इक्वेटोरियल पॉइंट रह रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।